हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा आज का जो प्रोडक्ट है दैट इज रिलेटेड टू आवर बॉडी एक्सफोलिएटिंग। हम स्किन के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एक्सफोलिएशन के लिए स्क्रब हो गए, अदर थिंग्स हो गई, बट बॉडी के लिए क्या यूज़ करना चाहिए दैट इज स्टिल अननोन टू मोस्ट ऑफ अस। मेरे लिए भी था, बट आई हैव बॉट अ प्रोडक्ट विच इज़ वर्किंग वंडर्स, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू गाइस। एंड दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, आई बॉट इट फॉर माय जेन्युइन यूज एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू, सो दैट जैसे कि हम रोज बाहर काम करने जाते हैं, घर में भी बहुत सारे काम करते हैं, वी आर प्रोन टू डस्ट, टैनिंग और डर्ट जो हमारे आसपास है वो मोस्टली हमारे स्किन के साथ अब्जॉर्ब हो जाती है। हमारे तो जो डर्ट है वो जो हमारे ओपन पोर्स में चली जाती है और हमें डार्क दिखाना शुरू कर जाती है। कई बार आपने देखा होगा आपका स्किन अगर गोरा भी है बट कई बार वहाँ पे डार्क पैचेस बन जाते हैं या हमारी बम्पी स्किन होती है, एक्नेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ड्यू टू द इनसफिशेंसी ऑफ द ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ आर स्किन, उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। इसका सीधा सीधा इलाज यही होता है दैट वी नीड एक्सफोलिएटिंग, वेदर इट इज ऑफ आर फेस और आवर बॉडी। मैं आपको एक दो रेफरेंसेस दूंगी फर्दर इन द वीडियो कि जो स्किन है उसको एक्सफोलिएशन की हद से ज़्यादा जरूरत होती है, बट वी आर नॉट इन इंडियन हाउस होल्ड, वी आर नॉट प्रोन टू डू दैट। सो फॉर दैट आई हैव बॉट अ प्रोडक्ट, अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट from Ghar Soaps. It is an Indian brand which makes product on bath, body and scrubs. ये वाला product जो है मैंने Instagram के through ढूंढा था, मैंने खुद ढूंढा था, it is not sponsored. And this product I received days back. मैं दोबारा packaging, of course it came in a courier और मुझे ये 3-4 दिन में मिल गया था। I ordered in on their website. मैं link आपको नीचे दे दूंगी so that you can go and check if you are interested. So this came in like this, beautiful packed, और this was the pack and we open this और इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि it is useful in what. जब हम ये वाला एक्सफोलिएटर यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स इट इज़ काइंड ऑफ अ स्क्रबर, तो इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, विजिबली रिमूव ड्राई और डेड स्किन, जैसे हम हमारे जो टिश्यूज निकलते हैं व्हेन वी एक्सफोलिएट, एंड रिमूव्स द फेक टैन इन सेकंड्स। मेरे टैनिंग बहुत जल्दी होती है तो आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर नेक्स्ट मेनी ईयर्स। प्रिवेंट्स ब्रेकआउट्स एंड ब्लैक हेड्स, अगर आपका स्किन जो क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे हमारे जो बैक एक्ने होती है, हमारी जो स्किन के नीचे, फेस के नीचे जहाँ पे भी हम एक्ने प्रोन स्किन है आप वहाँ पे इसको एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली हैव रिड्यूसिंग द एक्नेज एंड द वाइट हेड्स। प्रिवेंट्स केपी एंड इनग्रोन्स, जो इनग्रोन हेयर्स हो जाते हैं उसके लिए भी दिस इज़ वेरी गुड, आप स्क्रबिंग कीजिए हर दूसरे चौथे दिन एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट एज वेल। और इसके अलावा इसके जो गुड इफेक्ट्स हैं दैट इज इट एक्सफोलिएट द स्किन, प्योरीफाई एंड ब्राइटन्स योर कम्प्लेक्शन। हमें कई बार लगता है ना कि हमारा ये स्किन था और कलर इसका ऐसे हो गया है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। हमारे यहाँ पे बर्न्स हो जाते हैं ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द सन, मेरे इतने एरिया में सिंस आई वेयर मोस्टली आई वेयर 3/4 स्लीव्स, तो मेरे यहाँ पे टैन हो जाता है एंड इट इज़ नॉट विजिबल राइट नाउ क्योंकि मैंने ये रिलीजियसली यूज़ किया है एंड आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट है, दिस इज़ अ बूम, आई एम नॉट मेकिंग मोर स्पेकुलेशंस। मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट प्रोडक्ट आई हैव यूज, ऑब्वियसली मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ बट इसके एक बेसिक जो केयर इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि इसको यूज़ करने के बाद जब आपने इसको प्रॉपरली यूज़ कर लिया यू हैव टू ड्राई इट, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द ग्लव, दिस इज द एक्सफोलिएटिंग ग्लव दैट वी हैव रिसीव्ड, दैट आई रिसीव्ड, इट इज जनरली यूज्ड, यू आप इसको ऐसे वाइल वेटिंग योर बॉडी आप इसको आप गीला कर लीजिए एंड देन यू कैन यूज इट लाइक दिस एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू जस्ट हैव टू exfoliate whatever place you want to and it works, it really. अलावा आप देख सकते हैं ये जो है this cloth is not normal cloth, ये जो है ये Turkish
सिल्क होता है, इसका टेक्सचर हल्का सा रफ होता है बट इट इज़ नॉट हार्श ऑन स्किन अनटिल एंड अनलेस आप इसको बहुत ज़ोर से प्रेस करेंगे, देन इट विल बी डेफिनेटली एनीथिंग इज़ बैड वी प्रेस हार्ड ऑन आवर बॉडी. एंड उसके अलावा दिस इज़ गुड एंड दिस एक्सफोलिएट, यू कैन सी माई स्किन, इट डेफिनेटली वर्क्स एंड यू मस्ट ट्राई इट इफ़ यू हैव. अगर आपको शिकायत रहती है ना कि पिगमेंटेशन हो गई है, मैं मतलब फेशियल करा रही हूँ, कई चीज़ें करा रही हूँ, बॉडी पे स्कारिंग हो गई है, देन डू गिव इट अ ट्राई. इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम है आपको, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है आपको, एक्ने की प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम यू हैव, यू मस्ट ट्राई इट वंस बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस फॉर दैट. क्योंकि एक्सटर्नली जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो ओपन पोर्स हैं, जो लार्ज पोर्स हो जाते हैं, वो सीधा सीधा इन्हीं चीज़ों से ठीक हो सकते हैं. ऑक्सीजन की अच्छी ब्लड सप्लाई हो सकती है, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है. एंड आई एम हैप्पी विद, जेन्युइनली हैप्पी विद प्रोडक्ट्स, दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू. होपफुली इट हेल्प एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ द वेबसाइट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन चेक इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन इट्स अ बाय फ्रॉम माई साइड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय.